हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर के बाद परीक्षा अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। वे आज फिरोजाबाद के पुलिस अभ्यर्थियों ने पेपर लीक मामले में रोष व्यक्त करते हुए रसूलपुर थाने के समीप इकट्ठा होकर रसूलपुर से लेकर सदर विधायक शिकोहाबाद विधायक के आवास पर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अभ्यर्थियों ने तहसील सदर पहुंचकर एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृतिराज को सौंपा। अभ्यर्थियों की मांग थी, पेपर लीक होने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, सरकार दोबारा पुलिस भर्ती की परीक्षा कराए। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने जांच समिति बनाई है। एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक जाँच समिति बनाई गई है। ये समिति पेपर लीक की शिकायत, जो पेपर छपाई में गड़बड़ी हुई, पेपर देर से पहुंचने, सनी लियोनी के एडमिट कार्ड के मामले की भी जांच करेगी। जांच रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। सभी यूपी पुलिस का जो अभी पेपर हुआ उससे संबंधित यहां पे मैम को ज्ञापन देने आए हैं। आप एक बात बताइए, हमारी सरकार से एक सीधी सी मांग है, बच्चा इतनी साल साल भर मेहनत करता है, तीन तीन चार चार साल में पहली बात तो सरकार ये भर्ती निकालती है, और भर्ती निकालने के बाद भी इतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है ताकि ये पेपर ईमानदारी से कराए जाएँ, बल्कि सरकार तो इतना कहती है कि हम बहुत ईमानदार और नई सोच को और बच्चों को आगे बढ़ा रही है, रोज़गार की बात कर रही है, और फिर दूसरी तरफ ये सब करवाते हैं। सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं है कि फाइलों में सिर्फ कानून बना के रख देने नहीं चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ज़मीन पे स्त्री पे उसका देखना चाहिए। इतने सारे बच्चे हैं, कोई यहाँ पे अमीर घर का बच्चा नहीं है, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी ये लोग, सभी के पिताजी, हमारे पिताजी, मेरे पिताजी हैं, डेयरी करते हैं, किसी ना हम सब भाई हैं, किसान हैं, सब किसी के, कोई बड़े खानदान से नहीं आता, तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लिया जाए। आपने ज्ञापन दिया है, क्या क्वेश्चन बोला? मैम ने बोला है कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे जल्दी से जल्दी। हम सभी 17 और 18 तारीख को सेकंड सेक्टर में पेपर लीक हुआ था। हम माननीय विधायक जी मुकेश शर्मा के पास जा रहे हैं। 17 और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो धांधली हुई है उसके उपलब्ध में हम विधायक को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। प्री एग्जाम की हम मांग है, हमारी मांग करते हैं कि प्री एग्जाम हो, चार सौ का दाव पर है, इसलिए हम प्री एग्जाम की मांग करते हैं। तीन दिन लीक हुआ है, उनके पास आ चुका है, जो एक टोटल 150 प्रश्नों में से 150 करके आए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एवरेज 100 से 120 लगभग कर पाए, लेकिन लीक होने के कारण जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह गए, जो लीक जिनके पास पेपर आ चुका है एक दो दिन पहले वो 150 के पूरे कर रहे हैं, इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब मानी मनी सजिया जी के पास जा रहे हैं। क्या मांग है? मांग ये कि री एग्जाम कराया जाए दोबारा और जांच की जाए इस बच्चे। आप छात्र क्या जी? कहाँ के छात्र? ये छात्र यही है, फिरोजाबाद सदर के हैं सब।